मेरा नाम है तुषार और आप सबको मेरा नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सीडिल एसआईटी कॉलेज पन्नीवाला मोटा सिरसा। यह एक गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है। मैं आज आपको इस कॉलेज का टूर करवाने वाला हूँ। इसके सबसे नज़दीक बस स्टॉप क्रॉस करते हुए और कॉलेज में एंट्री लेंगे और वहाँ से मैं आपको इस कॉलेज का पूरा बेसिक स्ट्रक्चर, आज क्योंकि संडे है तो हम कॉलेज के अंदर नहीं जा सकते और हॉस्टल मैंने इसमें कवर नहीं किया है। अगर आपके अच्छे रिव्यू और कमेंट आएंगे तो मैं इसमें अपनी वीडियो में नेक्स्ट टाइम हॉस्टल को कवर करूँगा। और आई मस्ट से कि इस कॉलेज का जो है बॉयज़ हॉस्टल, गर्ल्स हॉस्टल का मुझको नहीं पता, और बॉयज़ हॉस्टल काफ़ी बढ़िया है। बॉयज़ हॉस्टल मतलब मैंने बाकी कॉलेजेस के भी हॉस्टल्स को विज़िट किया है, लेकिन इस कॉलेज का हॉस्टल वाकई में बहुत बढ़िया लगा मुझे। और मेस भी बहुत बढ़िया, आप कह सकते हैं कि डिसेंट चार्जेस पे और काफ़ी अच्छी हमें डाइट मिलती है। तो मैं आपको वो सब नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा और इस वीडियो में हम बेसिक इसका एंट्री से लेके और आपको थोड़ा सा ओवरव्यू ग्राउंड वगैरह दिखा देते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हेलो, तो फ्रेंड्स ये है अपना नेशनल हाईवे, नेशनल हाईवे नंबर 10। और यहाँ एक सेकंड, हम पहले थोड़ा सा बैक आते हैं। ये रास्ता जाता है हमारा पन्नीवाला मोटा गांव में से तकरीबन 1-1.5 किलोमीटर अंदर जाके आता है। तो ये हमारा HDFC बैंक है और इसके साथ में हमें ATM भी मिल जाता है और यहाँ पे एक नाई की दुकान भी है। और ये जो साइड में से रोड जाता है ये गुरुद्वारा में जाता है। और ये हमारा बस स्टैंड हो गया। जब हम आगे चलते हैं तो ये हमारा सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड शिव मंदिर आता है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ शिव मंदिर। तो ये हमारा शिव मंदिर है, काफ़ी मतलब बढ़िया डिज़ाइन है इसके अंदर, हम देखें मतलब काफ़ी अच्छा मंदिर बना रखा है। और वो आपको सामने ब्लू कलर का जो बोर्ड दिखाई दे रहा है, जो बोर्ड है हमारा चौधरी देवीलाल कॉलेज के लिए ही बनाया गया है और उस पर लिख रखा है मतलब चौधरी देवीलाल स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। तो हम आसपास का एरिया भी देखें तो काफ़ी शांत और हरा भरा एरिया है, मतलब पढ़ाई के लिहाज से मतलब बिल्कुल शांत प्रिय जगह है। तो अभी ये जो साइड में हम लेफ्ट हैंड साइड देख रहे हैं ये है हमारा पहले शिवा रेस्टोरेंट होता था, अभी इसके कोई ओनर वगैरह चेंज हुए हैं तो अब इसका रेस्टोरेंट का नाम बदलकर पंजाबी फास्ट फूड समथिंग कर दिया है। तो कुल मिला के ये हमारा यहाँ पे रेस्टोरेंट हो जाता है और काफ़ी अच्छा खाना मिलता है पर थोड़ा सा महंगा है। और हमारा जो ये हम राइट साइड देखते हैं तो राइट साइड में हमें अमरूद और बेसिकली जो खिन्नू होता है उस चीज़ का काफ़ी बढ़िया गार्डन है और सस्ते रेट में और मीठे फल हमें यहाँ पे मिलते हैं। तो अभी लेफ्ट साइड से हमारा कॉलेज का रास्ता शुरू हो जाता है, नेशनल हाईवे से हमारा कॉलेज की तरफ ये रूट स्टार्ट हो गया है। तो ये हमारा बोर्ड लगा हुआ है कॉलेज का। देन ये हमारा ATM आ जाता है कैनरा बैंक का, जो कि तकरीबन बंद रहता है। इसमें हमें कभी मतलब रेयर चांस है कि कैश निकालने को मिल जाता है। तो अब हम चलते हैं अपना गेट की तरफ और उससे पहले हम देखते हैं यहाँ पे जो बोर्ड लगाना कॉलेज के लिए कंपलसरी होता है कि कौन कौन सी ब्रांचेस हैं इस कॉलेज में। खैर, अब यहाँ से फूड एंड टेक्नोलॉजी हट के गुरु जम्बेश्वर में स्टूडेंट शिफ्ट हो गया। तो यहाँ पे हमारा एक ढाबा भी है अनदर उस रेस्टोरेंट से अलग, तो करीब करीब सारे बच्चे यहीं पर जाते हैं जिस दिन किसी को मैस की डाइट नहीं लगानी होती। ये हमारा चौधरी देवीलाल कॉलेज के जो है एंट्री मेन गेट है। तो यहाँ से हम एंट्री अंदर की तरफ लेते हैं।
ये हमारे चौधरी देवीलाल जी, और काफ़ी हरा भरा पार्क हमें यहाँ पे देखने, एक पार्क ये सामने हो गया और उसी तरफ गर्ल्स हॉस्टल और जो है हमारे डीपी सर का घर भी है, मतलब जो सरकारी बिल्डिंग उनको अलॉट होती है। देन उस तरफ जो है वोट वगैरह आ जाते हैं, और ये जो है गार्ड्स के लिए रूम है, वो यहाँ पे बैठ के मतलब एंट्री वेंट्री करते हैं कोई आता है तो, और मतलब तकरीबन 8 से 16 गार्ड यहाँ पे रहते हैं। ये हमारा कॉलेज का आप कह सकते हैं वाईफाई कैंपस एरिया है, और वो जो पीछे देख रहे हैं वो वर्कशॉप एंड स्पेशली फॉर मैकेनिकल इंजीनियर्स, मतलब मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए वो वर्कशॉप है। बेसिकली वहाँ पे थोड़ा सा बहुत कंक्रीट वगैरह उनका भी है, लैब वगैरह, लेकिन बेसिकली मैकेनिकल के लिए। ये वाला पार्क आप कह सकते हैं यहाँ पे जो है पूरा वाईफाई कैंपस है। इस तरफ हमारी कंप्यूटर लैब थी लेफ्ट हैंड साइड में। ये हमारा आ गया बास्केटबॉल ग्राउंड, आपको इसको थोड़ा फ्रंट से दिखाता हूँ। एकदम मतलब यहाँ पे पूरी शांति रहती है और सिर्फ व्हीकल्स की आवाज़ सुनाई देती है। तो ये हमारा सामने से फ्रंट व्यू हो गया हम कॉलेज का, जो मेन बिल्डिंग है इस कॉलेज की, और नीचे वाले फ्लोर्स पे तकरीबन टीचर्स की वो है ऑफिसेस और लैब्स वगैरह, ऊपर क्लासेस लगती हैं। देन ये कॉलेज बस है अपनी, जो कि फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी काम आती है जब वो इंडस्ट्रियल टूर वगैरह पे उनको लेके जाया जाता है। ये हमारा रास्ता जाता है बॉयज़ हॉस्टल की तरफ, तो काफ़ी लंबा जो है ये रास्ता है, आप देख सकते हैं काफ़ी घूम के। बॉयज़ हॉस्टल वो पीछे दिख रहा है, जूम करके देखना, ये बॉयज़ हॉस्टल है अपना, और काफ़ी घूम के जाना पड़ता है, तो उसके लिए अब यहाँ से एक शॉर्टकट वे है। हम थोड़ा सा व्यू लेते हैं कॉलेज का अंदर से कुछ फोटोग्राफ्स के थ्रू। तो ये हमारा कॉलेज का मेन बिल्डिंग हो गया, इसमें अभी ये 5 ब्रांचेज हैं, फूड एंड टेक्नोलॉजी हट चुकी है, नंबर ऑफ सीट्स होगी, फैकल्टी डिटेल्स आप रीड कर सकते हैं। ये हमारी लाइब्रेरी है, तकरीबन 10,518 बुक्स की वॉल्यूम है इसमें। ये बाकी आप लैब्स हैं सिविल इंजीनियर के लिए, स्ट्रक्चर, कंक्रीट, टेक्नोलॉजी एंड समथिंग, अलग अलग तरह की सभी, मतलब लैब्स में तकरीबन हर तरह का आपको सामान मिल जाता है। इलेक्ट्रिकल के लिए तो सभी हैं ही इक्विपमेंट, कोई हैवी मशीनरी जो है वो तो आपको ही पता है कॉलेज में थोड़ा पॉसिबल नहीं हो पाता। बाकी ये कंप्यूटर लैब लैंग्वेज के लिए अलग है। ये हॉल हो गया जहाँ पे कोई सेमिनार या कुछ डिबेट वगैरह सब कुछ होता है। ये हमारी वर्कशॉप मैकेनिकल इंजीनियर वालों के लिए, ये वेल्डिंग शॉप, लेथ मशीन वगैरह, शेपर, ड्रिलिंग, ये फंक्शंस की परफॉर्मेंस जो कि काफी थोड़े से रेयर होते हैं, ये गेमिंग कॉम्पिटिशन्स, काफ़ी टफ कॉम्पिटिशन लगता है इंटर ब्रांचेस के बीच में। ये कुछ टूर हुए थे उनकी फोटोग्राफ्स हैं, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग वगैरह में जो स्टूडेंट्स जाते हैं या इंडस्ट्री विजिट करते हैं कॉलेज के थ्रू। ये कुछ प्लेसमेंट्स की डिटेल थी।
अब हम बॉयज़ हॉस्टल की तरफ जाएंगे। ये रास्ता जो घूम के आया था वो जो सामने हमें कॉलेज की मेन बिल्डिंग दिख रही है, यहाँ से शॉर्टकट रास्ता भी जाता है। ये हमारा फुटबॉल ग्राउंड और वॉलीबॉल ग्राउंड हो गया। देन वो पीछे पावर प्लांट हो गया, यहाँ पे सारा वेस्टेज वगैरह जाता है। ये हमारा जो हॉस्टल है उसका बैक साइड एरिया, मैस एंड कैंटीन एरिया भी आप कह सकते हैं। देन यहाँ पर जो आप मेरी लेफ्ट साइड आप देखेंगे, ये हो गया हमारा वॉलीबॉल ग्राउंड, और जो हमारा जो अभी राइट साइड है ये हो गया क्रिकेट का ग्राउंड, जो क्रिकेट टूर्नामेंट वगैरह जो CPL होते हैं, क्रिकेट प्रीमियर कॉलेज प्रीमियर लीग होता है बेसिकली, तो क्रिकेट का काफ़ी ज़बरदस्त गेम इंटर ब्रांचेस के बीच में चलता है। ये हमारा जो एरिया हो गया लेफ्ट साइड का, ये टीचर्स की बिल्डिंग्स वगैरह हैं, मतलब उनको सरकारी हाउसेस अलॉट हुए हैं, और गर्ल्स हॉस्टल वगैरह, और आगे जाके जो है गेस्ट हाउस भी आता है इसी लेफ्ट साइड में। बॉयज़ का बेसिकली वहाँ पे जाना रेस्ट्रिक्टेड है। और ये हमारा बॉयज़ हॉस्टल का रास्ता है, कुछ बच्चे आप देख सकते हैं, आज संडे था तो डाइट में थोड़ा सा ऑयली फूड रहता है, पूरी वगैरह और थोड़ा सा और भी ऑयली सब्जी वगैरह भी ऐसी रहती हैं। ये फाइनली हम बॉयज़ हॉस्टल की तरफ आ गए हैं, और ये अपना बॉयज़ हॉस्टल है, डस्टबिन वगैरह लगे हुए हैं, और हाँ स्ट्रीट लाइट वगैरह जो भी आपने ये बीच में देखी, सभी स्ट्रीट लाइट्स वाइट वाली LEDs में चेंज कर दी हैं, सेव इलेक्ट्रिसिटी सेव एनर्जी। ये विवेक जी आ रहे हैं हमारी तरफ, और अभी ये विवेक जी जा रहे हैं हमारी तरफ से, बाय। तो फाइनली दोस्तों हम इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, नहीं तो काफ़ी लंबा ये वीडियो बन जाएगा, और हॉस्टल को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सब्सक्राइब करिए और खुश रहिए।